नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ऐसे 6 फूलों के बारे में जिनको हम भगवान पर चढ़ाने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे और शुभ होते हैं ये फूल, और हमें इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर जगह देनी चाहिए। तो बहुत सारे ज़्यादातर फूल गर्मियों में ही होते हैं और अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो कौन कौन से हैं वो पौधे। सबसे पहले जो हम नाम लेंगे वो है गुड़हल का। गुड़हल बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत ज़्यादा ये भगवान पर चढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाल जो गुड़हल होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे गुड़हल की बहुत सारी वैरायटियां हैं, इसको लगाना बहुत आसान है। कटिंग से लगा सकते हैं आप, पौधा नर्सरी से ला सकते हैं, गमले में आराम से चलता है। बड़े से गमले में आप लगा दें, मिट्टी, कंपोस्ट और रेत तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर और उसमें आप इसको लगाएं। पानी देख कर दें, बहुत ज़्यादा ना दें, और बस हर 15 से 20 दिन में बनाना पीन फर्टिलाइज़र देते रहें। इसके अलावा इसको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये फूलों से भरा रहेगा हमेशा। तो आप ज़रूर इस पौधे को लगाएं, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कीड़े का अटैक होता है इस पर तो हर 15 दिन में हर हफ्ते इस पर नीम की पत्तियों से स्प्रे करते रहें। पानी से स्प्रे कर दें, हाथ से भी साफ़ कर दें पानी से स्प्रे करते हुए, तो अपने आप ही वो मिली बक्स वगैरह हट जाती है। तो हर 7 दिन में 10 दिन में आप नीम की पत्तियों का स्प्रे करते रहेंगे तो कोई कीड़ा लगेगा ही नहीं। दूसरे जो नंबर पर हम बात करेंगे वो है गेंदा। गेंदा बहुत ही ज़्यादा पूजा में इस्तेमाल होता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में लगाए जाते हैं। और आप बहुत ही आराम से इनको गर्मियों में लगा सकते हैं, गर्मी का बीज अलग होता है। तो बस थोड़ी सी भी अगर आपके पास गमले खाली हैं या फिर ज़मीन है तो आप गेंदे के पौधे लगा दें और खूब पूजा में इस्तेमाल करें। इन पर बहुत फूल आते हैं, जितने हम तोड़ते हैं उतने ही और ज़्यादा फूल आते हैं। बस इसको धूप अच्छी चाहिए, अगर धूप अच्छी मिलती रहेगी तो ये अपने आप ही इस पर फूल पे फूल आते रहेंगे। गेंदा हमेशा ख़राब होता है कम फूल कम धूप के कारण, तो जब भी अगर आप गेंदा लगाएं तो जब भी लगाएं अगर इस पूरे दिन की धूप आपके यहाँ आती हो। अगर धूप इसको अच्छी मिलेगी तो इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं। और अगर किसी तरह का कीड़ा है तो आप हर हफ्ते नीम ऑयल या फिर जितने भी हम घर में जो पेस्टिसाइड बनाते हैं किसी से भी स्प्रे कर दें और बस, और इसको कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर जो बात करेंगे वो है चमेली। चमेली के फूल बहुत सुंदर लगते हैं, सफ़ेद रंग के, और गर्मियों में बहुत अच्छे से खिलते हैं और खुशबू तो इतनी होती है इसके फूल में तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं और भगवान पर खूब चढ़ाए जाते हैं। इसकी माला खूब चढ़ाई जाती है और बहुत ही अच्छे से गर्मी में बस हर 15 से 20 दिन में आप वर्मी कंपोस्ट इसमें देते रहें, गोबर की खाद देते रहें या फिर जो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो वो आप इसमें देते रहें और मिट्टी अच्छी सी बना के लगाएं। कोई भी पौधा लगाते हैं तो वही मिट्टी, कंपोस्ट, रेत तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें और लगा लें। अगर आपके यहाँ मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो रेत की मात्रा आप ज़्यादा लें, कम चिकनी है तो रेत की मात्रा कम लें, और अगर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो रेत को ना भी लें। तो अपने हिसाब से ये देखना होगा, अगर मिट्टी चिकनी है तो रेत इसलिए मिलाते हैं, मिट्टी पोरस हो जाती है और पानी ज़्यादा रुकता नहीं है और सनलाइट इसको वही 5 से 6 घंटे चाहिए तभी अच्छे फूल आएंगे। तो चमेली का जो पौधा है वो आप गर्मियों में खूब लगा सकते हैं और ये बहुत भगवान पर फूल इसके चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है अपराजिता की बेल है ये, और ये पूरी गर्मी बहुत ज़्यादा फूल देती है, फूलों से भरी रहती है और शिव जी पर इसके फूल चढ़ाए जाते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं तो पूजा में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो और बहुत ज़्यादा लकी बेल है ये, आप ज़रूर ये बेल लगाएं। तो बीज से ग्रो कर सकते हैं इसको या फिर आप नर्सरी से ला सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। तो जैसे भी आप इसको लगाना चाहें ज़रूर लगाएं और पूरी गर्मी ये खूब फूलों से भरी रहेगी, बहुत अच्छे फूल आते हैं। बस हर 15 से 20 दिन में आप कोई भी फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो वो आप देते रहें। बहुत ज़्यादा पानी ना दें, बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल जाती हैं और बेल अचानक से सूख जाती है। सफ़ेद रंग में भी होती है, नीले रंग में भी होती है, तो आप जो भी आपको अच्छी लगे वो लगाएं। बहुत ही अच्छी बेल है और इतने फूल आते हैं कि आप कितने भी फूल पूजा के लिए तोड़ें उतने ही और ज़्यादा आएंगे। तो बहुत ही सुंदर और लकी बेल है, आप ये बेल लगा सकते हैं और गर्मियों भर फूल देगी। तो इससे जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बहुत ही सुंदर फूल है, वो है कमल का फूल।
कमल का फूल पूजा में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम घरों में होता है, ज़्यादातर ये तालाब वगैरहों में ही होता है। लेकिन घर में भी हम इसको उगा सकते हैं। लेकिन घर में आप इसको अगर लगा रहे हैं तो जिस भी गमले में आप लगा रहे हैं, एक तो मिट्टी उसकी चिकनी रहनी चाहिए, और उस गमले को किसी भी बड़े से टब में नीचे दबा के रख दें और उसको पूरा पानी से भर दें, तो काफ़ी हद तक कई बार ऐसा हुआ है कि फूल भी खिल जाते हैं घर में। तो कमल का फूल लगाने की कोशिश कर सकते हैं, कमल के फूल बहुत ज़्यादा भगवान को प्रिय होते हैं। तो ये पौधा ऐसा है जो ज़्यादातर बहुत ही कम देखने में मिलता है और घर में कम ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगा नहीं सकते, इसको लग सकता है, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इसको लगाने की। बहुत ही सुंदर और भगवान का प्रिय फूल है कमल, तो कमल का जो पौधा है वो आप लगा सकते हैं और खूब अच्छे से फूल पा सकते हैं। कमल का पौधा की जो पहचान है वो ये है, ये पानी से इसके फूल कम से कम 1 से 2 इंच ऊपर खिलते हैं, और जो लिली होती है, एक वाटर लिली, उसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सतह से, पानी की सतह से मिले होते हैं। तो आप जब भी ये देख लें, कमल का फूल होगा तो पानी से कम 1-2 इंच ऊपर खिला होगा, तो वो होता है कमल का। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है सारे फूलों का राजा गुलाब। गुलाब तो सभी को पसंद है और खूब पूजा में इस्तेमाल होता है, पर ये सर्दियों में ज़्यादा खिलता है। लेकिन अगर आप देसी गुलाब लगा रहे हैं तो सर्दियों में तो खूब फूल आते ही हैं, और देसी गुलाब पर गर्मी में भी फूल आते रहते हैं। मेरे घर पर लगे हुए हैं देसी गुलाब, सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन गर्मी में भी फूल आते ही रहते हैं। तो गुलाब अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसा देसी गुलाब लगाएं जो गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में फूल देता रहे, थोड़े कम ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन फूल आते रहेंगे। तो ये फूल बहुत पूजा में इस्तेमाल होते हैं, खूब इनकी माला बनाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सुगंधित और खुशबूदार फूल होते हैं देसी गुलाब, में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। कटिंग से भी लगा सकते हैं इसको हम, बीज से भी ग्रो होता है, लेकिन बीज से बहुत मुश्किल है, इसलिए कटिंग से ही इसको ज़्यादातर लगाया जाता है, और देसी गुलाब की कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है। तो गुलाब का पौधा ज़रूर लगाएं घर में। ये 6 पौधे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं इनके फूल, और इनको बहुत ही आसानी से हम बहुत कम केयर के साथ अपने घर में उगा सकते हैं, खूब अच्छे फूल पा सकते हैं और भगवान जी पर चढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो, छोटा या बड़ा जो भी है, वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।